मीन दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। दोस्तों हमारे साथ पाकिस्तान से ईरान इराक का है मुकम्मल ज़ियारात करवाएंगे आपको। कुछ वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं और कुछ वीडियो इसके बाद भी आएंगी, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो वीडियो अगली आ चुकी हो। दोस्तों हमारा सफर ईरान इराक का है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ नजफ शहर के अंदर। नजफ शहर हजरत अली अलैहिस्सलाम का शहर है, मतलब हजरत अली अलैहिस्सलाम का यहाँ पर रोजा है। दोस्तों हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे से अब हम जा रहे हैं इराक के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ज़ियारात करवाएंगे दोस्तों, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि ट्रैवलिंग किस तरह करते हैं, क्या क्या रास्ते के अंदर मुश्किलात होती है और कितने छोटे बड़े ज़ियारतें हैं, वो सब आपको इस डिटेल के साथ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको नजफ शहर दिखाया था, हजरत अलैहिस्सलाम का रोजा दिखाया था और उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान वादी सलाम दिखाया था और वहां से हम कूफा चले थे। कूफा और नजफ एक ही शहर है। कूफा शहर के अंदर कितनी ज़ियारतें हैं वो भी हमने दिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा है उसको क्लिक करके आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इराक के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जाते हैं, शहरों के अंदर जो जो ज़ियारतें हैं वो करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नजफ शहर से अब हम रवाना हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों की जाने। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ये भी एक सदका जारिया है। दोस्तों अब हम नजफ शहर से निकल चुके हैं और ये तरक्याती काम हो रहा है और तकरीबन सामान ये गैर मुल्कों से मंगवाते हैं टाफटाइल तक। दोस्तों ये नजफ शहर है, ये नजफ शहर के ऊपर के मनाजिर हैं कुछ। दोस्तों नजफ शहर से अब हम रवाना हो चुके हैं और हम करबला रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं। नजफ से करबला की जानिब जो रोड जा रहा है ये उसी रोड के ऊपर हम इस टाइम सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों नजफ शहर से अब हम जा रहे हैं सीधा सामरा शहर के अंदर, जो इराक का शहर है और ये नजफ शहर से तकरीबन 6 घंटे के फासले पर है। दोस्तों वहां पर रोजा है हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का और हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। दोस्तों ये वही रोड है करबला का जिसके ऊपर पैदल सफर किया जाता है और इस तरह के बहुत से मौकिब भी मिलते हैं रस्ते के अंदर जो आपकी खिदमत करते हैं। दोस्तों ये 86 किलोमीटर का पैदल सफ़र नजफ से करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े तक किया जाता है। इसी रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश भी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर दिखाया है, लेकिन इस टाइम अक्सरियत मौके बंद हैं और कोई एक दो मौके खुले हुए होते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि दोस्तों ये एक सफ़र से 20 सफ़र तक मौके खोलते हैं और ज़ायरीन इमाम हुसैन जितने भी आते हैं चेलम के ऊपर उनकी खिदमत करते हैं। फिर दोस्तों हम अपनी बस के ऊपर बैठे और रवाना हो पड़े। दोस्तों ये दरियाए फुरात है जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं इस टाइम और ये दरियाए फुरात सीधा करबला की जानिब जा रहा है। दोस्तों सामरा शहर की तरफ जब आप सफ़र कर रहे होते हैं नजफ शहर से, तो रस्ते के अंदर एक नबी खुदा का रोज़ा भी आता है। वो रोज़े के ऊपर हम रुके हैं और इस टाइम हम उनकी ज़ियारत करते हैं, फिर हम सामरा शहर की जानिब सफ़र करेंगे। दोस्तों यहाँ पर रोज़ा है हज़रत अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम का और मैं ये बाहर के आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ। हज़रत अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम का यहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता था, ये है वो कुआं दोस्तों जहाँ पर लोग इस टाइम पानी भर रहे हैं और ये शफा के लिए बहुत बेहतरीन होता है पानी। दोस्तों इराकी हुकूमत ने इस कुएं के अंदर पाइप लगा दिए ताकि पानी भरने में आपको आसानी हो टोंटियों की मदद से। दोस्तों आज से हजारों साल पहले एक कौम रहा करती थी, उस कौम का नाम सिरान था और अल्लाह ने उस कौम की इसलाह के लिए एक अपने नबी को भेजा जिसको आज जमाना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से जानता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार, इबादत गुजार और अपने कबीले के सरदार थे। आपकी 7 बेटियां और 7 बेटे थे। आपकी इज्जत और अजमत का आलम यह था कि आप जिस रास्ते से गुजरते लोग खड़े होकर उस रास्ते के ऊपर आपका इस्तकबाल किया करते थे। दोस्तों ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोजे के बाहर का सहन है। दोस्तों हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत सब्र करने वाले नबी थे। दोस्तों हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह किसी को अजीज रखता है तो उसे सब्र से आजमाता है। तो बस हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद मर गई और सारी दौलत ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी दी जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त गलने लगा और यहाँ तक कि हड्डियाँ आशीना होने लगी। फिर दुनिया ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। जो लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इज्जत करते थे, खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, वो लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तोहीन करने लगे और कहने लगे अल्लाह इससे नाराज़ है और अल्लाह का अजाब है हज़रत अय्यूब पर, ये कोई नबी नहीं है। मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र और अल्लाह ताला का जिक्र और इबादत करते रहे। यहाँ तक कि लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सलाम करना छोड़ दिया और कहा कि आप बस्ती से बाहर निकल जाएं, ये ना हो कि आपकी बीमारी हमारे बच्चों को लग जाए।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर रहने लगे। गुर्बत का आलम यह था कि उनकी बीवी लोगों के घरों में काम करने लगी। कुछ अरसे के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को लोगों ने काम देने से इनकार कर दिया और कहा कि आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहती हैं, ये ना हो कि उनकी बीमारी आपके जरिए हमारे बच्चों को लग जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने रो रो कर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि हमने खुशहाली में तो बहुत से साल गुजारे हैं और परेशानी में अभी एक साल ही गुजारा है। फिर आखिरकार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, यकीनन तू रहम करने वाला है, अपने बंदे पर रहम कर। बस ये कहना था तो आवाज़ें गए, भाई अय्यूब अपना पाँव ज़मीन पर मारो, वहाँ से चश्मा निकलेगा, उससे नहाओ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो वहाँ से चश्मा निकला। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी जिस्म पर लगाया तो अल्लाह की फजलो करम से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी ख़त्म हो गई और वह फिर से जवान हो गए और उनकी बीवी भी जवान हो गई। उन्होंने 23 बेटे और 27 बेटियां पैदा की और वो पहले से ज्यादा मालामाल हो गए। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है, सुभान अल्लाह। फिर दोस्तों हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रोजे की ज्यारत करने के बाद इराक के मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए सीधा रवाना हो पड़े सामरा शहर की जानिब। दोस्तों इराक के अंदर आपको दरख्त के तौर पर खजूर के दरख्त नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई सफाई का इंतज़ाम नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये हालत जंग में रहा है, इसलिए ये शहर, ये मुल्क मतलब उजड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। कोई कोई शहर इनके आपको खूबसूरत भी देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये इनका दारुल हुकूमत शहर बगदाद है, इराक का बगदाद इराक का दारुल हुकूमत है और ये कुछ बेहतर बना हुआ है डेकोरेशन के लिहाज से भी और बगदाद से सामरा की जानिब हम बढ़ रहे हैं और ये बगदाद का दारुल हुकूमत शहर के बीच में से हम गुजर रहे हैं और साथ हमारे लुंड साहब बैठे हैं। लुंड साहब आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? हाँ जी जी बोलिए। मेरा नाम जमील अहमद है। और आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं सुनी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ मगर मोहब्बत आहले बैत न सुनी से ताल्लुक रखती है न शिया से न हिंदू से न कुछ, बस मोहब्बत आहले बैत ईमान का जुज है। और आप पाकिस्तान से आए? दोस्तों सफर करते करते रात हो गई। दोस्तों इराक के शहर सामरा के चारों तरफ है दरिया, दरियाए दजला। दरिया के ऊपर बनाई गई पुल से हम गुजर रहे हैं और यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों सामरा के अंदर जो ही दाखिल होंगे बहुत से चेक पोस्टे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ के हालात खराब रहते हैं। 4 से 6 घंटे का सफर करने के बाद आखिरकार हम पहुँच ही गए। दोस्तों इराक से सफर करते हुए 4 घंटे का हम पहुँचे हैं सामरा के। सामरा के अंदर यहाँ पर 4 जरिया हैं, 4 जरिया एक ही जगह पर हैं और ये 4 जरिया 10वें इमाम की हैं, 11वें इमाम की हैं और 12वें इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की वालदा की हैं और उनकी फूफी की हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जरिए के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जरिए के अंदर क्या क्या सूरत हाल है और किस तरह इन्होंने जरिए बनाई और उसके अलावा इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की यहाँ पर आमद और यहाँ से फिर जले जाना वो मकाम भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों चलते हैं अंदर और आपको दोस्तों ये है जरिए के बाहर का सहन जहाँ पर जायर ज़मीन पर सो रहे हैं और अपने कंबल लेके आते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है चेहलम के ऊपर, तो चेहलम के ऊपर वैसे रश ज़्यादा होता है इसीलिए ये बाहर भी सो रहे हैं, वरना जरी के अंदर सोने की भी जगह है पड़ी, वहाँ पर आपको फ्री में कंबल भी दिए जाते हैं। दोस्तों ये बहुत मज़लूम जरी है और यहाँ पर दाइश ने भी हमला किया था और गुंबद को भी तोड़ दिया था। दोस्तों चेकिंग करवाने के बाद हम भी रोज़े के अंदर दाखिल हो गए और ये एक एंट्री गेट है रोज़े के अंदर दाखिल होने का। दोस्तों यहाँ पर 4 रोज़े हैं एक ही जगह पर। दोस्तों इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी नरजिस खातून का है, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का है, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के दादा जान इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। दोस्तों यहाँ पर हकीमा खातून का भी रोज़ा है जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की बेटी है और इमाम मोहम्मद अली नकवी अलैहिस्सलाम की बहन है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी है और इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की विलादत की गवाह भी हैं। दोस्तों ये इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम का घर हुआ करता था और ये इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम के घर का सहन था। यहाँ पर इमाम ने खुद अपनी कब्र खोदी थी, इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम ने।
दोस्तों इसी जरी के साथ नीचे रास्ता जा रहा है जो नीचे आपको 3 मंजिल नीचे तहखाने के अंदर ले जाता है, जहां पर आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गैबत का मकाम की जगह की ज़ियारत भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है वो जगह जहां पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गैबत का मकाम है। दोस्तों इस जगह पर ज़ियारत और दुआ जो मांगी जाए इंशाल्लाह कबूल होती है। दोस्तों जरी के अंदर आपको बैग लेके जाने की इजाज़त नहीं होती, यहाँ पर अमानत के तौर पे आप अपने बैग रखवा के जाते हैं अंदर जरी के अंदर, इसलिए कोशिश करें कि ज़रूरत का सामान उठा के आए वरना अदरवाइज बैग अपनी बस के अंदर ही छोड़ के आए। दोस्तों फिर हमने अपने बैग उठाए और बैग उठाने के बाद सीधा हम जरी की ज़ियारत करने के बाद अगले दिन सुबह रवाना हो। दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, ये रोज़े के अंदर दाखिल होने का एंट्री गेट है। दोस्तों सामरा शहर के अंदर एक मस्जिद है जहां पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद भी किया गया था, यहां पर जिंदा भी है। दोस्तों यहां पर हमें सलार नहीं ले गया था वरना हम आपको ये मस्जिद भी मुकम्मल दिखाते और कैद खाना जो था वो भी दिखाते। दोस्तों एक रात सामरा शहर के अंदर गुजारी, फिर हम वहाँ से रवाना हो पड़े दूसरे शहर की जानिब। दोस्तों सामरा शहर आखिरी हदूद पर है इराक की, इसीलिए जिस रास्ते से हम गए थे अब वापस भी हम उसी रास्ते से आ रहे हैं। दोस्तों पूरा रास्ता बारिश आती रही और हम बारिश के अंदर सफ़र करते रहे। दोस्तों सामरा शहर से 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है बल्लब शहर का, तो हम बल्लब शहर की जानब बढ़ रहे हैं, बारिश भी हो रही है। दोस्तों वहाँ पर रोज़ा है सैयद मोहम्मद का, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर जाके आपको ज़ियारत करवाते हैं। दोस्तों ये सामने जो गाड़ी वाला जा रहा है ये हमें रास्ता बता रहा है क्योंकि हम रास्ता थोड़ा सा भूल गए थे। दोस्तों इराक के शहर बल्लब के अंदर हम पहुंच चुके हैं 1.5 से 2 घंटे का सफ़र करने के बाद। दोस्तों बल्लब शहर के अंदर से गुजरकर हमने एक गांव के अंदर जाना है जहां पे सैयद मोहम्मद का रोज़ा है, जो आपको सामने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नज़र भी आ रहा होगा गुंबद, ये है सैयद मोहम्मद का रोज़ा। यहाँ पर दोस्तों दुम्बे लोग लेते हैं और अपनी मन्नत अदा करते हैं। मन्नत किस चीज़ की अदा की जाती है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत खूबसूरत आपको मनाजिर देखने को मिलते हैं। रोज़ा के अंदर जो ही आप दाखिल होते हैं इस तरह की आपको मार्केट नज़र आती है जहाँ पे आपको खुश्क मेवाजात भी मुनासिब रेट के ऊपर मिल जाते हैं। दोस्तों सैयद मोहम्मद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चचा हैं और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई हैं और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मैंने आपको सामरा के अंदर दिखाया है। दोस्तों ये सैयद मोहम्मद की दरबार के फ्रंट के मनाजिर हैं और इसके बिल्कुल साथ आपको मार्केट नज़र आती है। दोस्तों सैयद मोहम्मद के रोज़े पर औलाद के लिए मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती, अल्लाह ताला औलाद आपको अता करता है सैयद मोहम्मद के सदके। दोस्तों यहाँ पर लोग आते हैं औलाद के लिए दुआ मांगते हैं और एक मन्नत का दुम्बा मान लेते हैं और इंशाल्लाह अगले साल वो वापस आते हैं और वो अपना दुम्बा जो माना होता है मन्नत का वो वापस करते हैं और यहाँ पर गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ का एरिया गरीब है अक्सरियत। दोस्तों यहाँ पर आप पैसे देकर भी मन्नत अदा कर सकते हैं, ये लोग वो हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, रसीद काट देते हैं और फिर आपका दुम्बा लेकर ये गरीबों के अंदर तकसीम कर देते हैं। यहाँ पर काउंटर बना हुआ है वरना आप खुद ही भी दुम्बा लेकर तकसीम कर सकते हैं, उसे ज़िबा कर सकते हैं। दोस्तों ये सैयद बड़े करम वाले सैयद हैं, बड़े जलाली वाले सैयद हैं, इनकी ज़ियारत बड़ी ज़ियारत में शुमार होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा करमात हैं। अरबी लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते, अरबी लोग कहते हैं अगर हम सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम की झूठी कसम खाएँगे तो हम अंधे हो जाएँगे, और ये हकीकत भी है। दोस्तों सैयद मोहम्मद के हरम से कोई शख्स चोरी नहीं करता, अगर कोई मिसाल के तौर पर भूल कर तस्बीह भी उठा लेता है बग़ैर पूछे इजाज़त के तो वो वहाँ से जा नहीं सकता, उनकी बस नहीं चलेगी या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ। तो इसीलिए कोशिश करें कि कभी भी भूल कर भी कोई तस्बीह या खाके शिफा वगैरह वहाँ से उठा के मत लाइएगा। सैयद मोहम्मद के रोज़े की ज़ियारत करते हुए सीधा अब हम इराक के दारुल हुकूमत बगदाद की जानिब जा रहे हैं। दोस्तों बगदाद के साथ है काजमैन शहर, अब हमने काजमैन शहर जाना है। दोस्तों अब हम काजमैन शहर से मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और रात भी हो गई है। दोस्तों रात सफ़र करते करते हो गई हमें।
दोस्तों हम यहाँ पर रात को पहुँचे थे और बहुत थके हुए थे। हमारा काफ़िला मुकम्मल थका हुआ था, तो फिर हमने हरम के अंदर सोने का प्लान किया। हरम के अंदर हमें कंबल भी मिल गए और रेस्ट के लिए अच्छी सी जगह भी मिल गई, तो हमने रेस्ट किया। फिर सुबह उठे तो हमने हरम के अंदर जाके ज़्यारत, हम सो गए थे, मूवी नहीं बना सके थे। अब हम मदायन के अंदर पहुँच चुके हैं। ये वो चार रोज़े हैं, मदायन का ये बाहर का साइन है, अंदर दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हैं चार रोज़े जो सहाबी रसूल थे और आशिक़ अली थे। दोस्तों ये हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। दोस्तों इन्हें सलमान मोहम्मदी भी कहा जाता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम सलमान मोहम्मदी रखा था। दोस्तों इसी रोज़े के बिल्कुल साथ है एक और सहाबी रसूल का रोज़ा, इन्हें हज़रत हुज़ैफ़ा यमनी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और सहाबी रसूल के दो रोज़े हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों ये सामने जो रोज़ा है ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी का रोज़ा है। दोस्तों हदीसे के साथ दोस्तों इन्हीं से रिवायत है। दोस्तों ये भी सच्चे आशी के रसूल थे। दोस्तों इसी रोज़े के बिल्कुल साथ है रोज़ा हज़रत ताहिर इब्न ज़ैनुल आबिद, दोस्तों ये भी सहाबी रसूल थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगली वीडियो के अंदर हम आपको दो भाइयों की कहानी भी बताएंगे, उनका रोज़ा भी दिखाएंगे जिन्हें नहर किनारे शहीद कर दिया गया था, अमीर मुस्लिम की जोड़ी। दोस्तों उसके अलावा एक विलेज के अंदर हम खाना भी पकाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, और उसके अलावा बहुत कुछ। तो हमारी अगली वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ईरान इराक़ ज़ियारत पर जाने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें।